आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेके वो है चिकन लज़ानिया। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है, तो देखते हैं उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम शीट्स को बॉईल कर लेते हैं। पानी बॉईल हो रहा है तो उसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून जो है ऑयल डाल देंगे। इसमें 12 शीट्स जो हैं मैं बॉईल कर रही हूँ। आपको जितनी बनानी है आप उस हिसाब से बॉईल कर सकते हैं, और इसकी जो है डायरेक्शंस डब्बे के पीछे भी लिखी होती हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इनको तकरीबन जो 8 से 10 मिनट लगेंगे कुक होते हुए। लज़ानिया शीट जो है फुली कुक हो चुकी हैं तो मैं इनको अब स्टेन कर लेती हूँ। अब दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। उसके लिए मेरे पास यहाँ 2 पाउंड चिकन का कीमा है। आप इसमें बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। 5 से 6 टमाटर थे जिनकी मैंने प्योरी बना ली है। ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून ओरेगनो है, 1 टीस्पून बेजल लीव्स हैं, 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है। अगर गार्लिक पाउडर की जगह आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने रफली कट कर लिया है, और यहाँ पर ऑयल है 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। तो अब इसको जो है कीमे को पकाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लेंगे, फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। इसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल देंगे। ऑनियन डाल देंगे। इसको 3-4 सेकंड के लिए इसमें सॉटे कर लेंगे। ऑयल इसमें आपने ज़्यादा नहीं डालना, बस इतने ही ऑयल में जो हम बाकी का कीमा वगैरह भी पकाएंगे। अब इसमें कीमा डाल देंगे। इसको इतना पकाएंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई पे ही है। कीमे ने अपना जो है कलर चेंज कर लिया। इसमें हम ड्राई मसाले डाल देंगे सारे। उनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद जो हमने टोमेटो प्योरी ली थी वो डाल देंगे इसमें। जो लज़ानिया का कीमा रेडी होता है उसमें टोमेटो प्योरी जो है वो ज़्यादा जाती है। अब ये इसी में जो है पकता रहेगा और एक इसकी एक सॉस रेडी हो जाएगी। फ्लेम हमने हाई कर देना है। इसको 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसको हाई फ्लेम पर पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए तो हमें इसकी ग्रेवी को बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अब मैं इसका फ्लेम लो करके बिल्कुल इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने दूँगी, और उतनी देर में हम वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। व्हाइट सॉस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/3 कप मैदा है, 3 टेबलस्पून बटर है। तो व्हाइट सॉस को पकाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लेंगे, फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। इसमें बटर डाल देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा इसमें मैदा डाल देंगे। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें मैदा डाल देंगे। एक से 1.5 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। 1 से 1.5 मिनट हो गए हमें मैदे की भुनाई करते हुए, तो इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो इसकी भुनाई हो गई, हम फ्लेम अपना बिल्कुल लो कर देंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं दूध डालने से पहले। मैंने फ्लेम को लो कर लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने दूध सारा नहीं इसमें डाला, इसमें कोई भी आपके लम्स नहीं रहने चाहिए। बाकी का भी दूध डालूँगी इसमें।
फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ था, अब फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके लम्स जो बन जाते हैं उनको ख़त्म करेंगे। इसमें आप किसी विस्क की मदद से भी कर सकते हैं और ऐसे स्पैचुला से भी कर सकते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो पे है, तो आप देख सकते हैं कितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। हमें ज़्यादा थिक नहीं करनी है। इसमें हम नमक और काली मिर्च डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। जो हमने कीमा रखा था लो फ्लेम पर पकने के लिए, वो भी रेडी हो चुका है। वाइट सॉस भी रेडी हो चुकी है, शीट्स भी बॉयल हो चुकी हैं, तो इसको बस संभल कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए इसको चिकन को मैं लो फ्लेम पर रखे हुए, तो मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो आप देखेंगे इसमें जो सॉस थी वो पूरी ड्राई नहीं हुई है, बस इस टाइम से चाहिए हमें ये। तो ये तैयार हो गया। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ लिया है, क्वांटिटी नहीं मैं आपको मेंशन कर रही, ये आपकी पसंद के ऊपर है कि आप जितनी भी ज़्यादा डालना चाहते हैं। वाइट सॉस भी रेडी है, कीमा भी रेडी है, शीट्स भी बॉयल हो गई हैं। तो मैं जिस ट्रे में बना रही हूँ वो मेरा यहाँ पर फॉइल का ट्रे है, आप चाहें तो किसी शीशे के ट्रे में भी बना सकते हैं जो आपका ओवन सेफ़ हो। तो अब इसको असम्बल कर लेते हैं। उसकी ट्रे की बेस में सबसे पहले जो है जो वाइट सॉस बनाई थी वो डाल देंगे। ऊपर शीट्स रख देंगे। अगर आप शीट्स पहले बॉईल करके रख रहे हैं और आपने देर बाद यूज़ करनी है तो आप उसको ऑयलिंग करके रख सकते हैं, वापस में फिर चिपकेंगी नहीं। अब इसके ऊपर कीमा डाल देंगे। इसके ऊपर दोबारा से व्हाइट सॉस डालेंगे। चीज़ डाल देंगे। दोबारा से इसके ऊपर शीट्स लगा देंगे। साथ ही हमने ओवन को भी ऑन कर दिया है, वो भी प्री हीट हो रहा है 350 पर। आप चाहें तो इसमें कीमे के साथ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हम इसकी लास्ट लेयर भी रेडी कर लेंगे। शीट्स लगाने के बाद ऊपर वाइट सॉस डाल देंगे। इसको ऊपर इसके स्प्रेड कर देंगे वाइट सॉस को। इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। इसकी हमारी लास्ट लेयर भी रेडी हो चुकी है। वाइट सॉस डालने के बाद उसके ऊपर हमने चीज़ डाल दी है। तो अब इसको मैं ओवन में रख देती हूँ। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है 350 पे, 25 मिनट्स के लिए इसको हम ओवन में रख देंगे। लज़ानिया हमारा बेक हो चुका है, तो इसको मैं ओवन से बाहर निकाल लेती हूँ। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसका एक स्लाइस निकाल लेते हैं। तो हमने देखा कि चिकन लज़ानिया बनाना कितना ही आसान है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।